हाय, आई एम प्रशांत फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस वीडियो में आज हम टेंस और हंड्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं जिसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में दिया है कि आप इस नंबर को कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ वुड यू रीड द नंबर, और नंबर है 74.16। ध्यान रखें कि इसको 74.16 नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसलिए 74.16। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4795, और यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू होगा 1000। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब टेंस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्लेस वैल्यू दिख रहा है, जिसमें हंड्रेड्स, टेंस, वंस, फिर डेसिमल पॉइंट और उसके बाद टेंस और हंड्रेड्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पहला नंबर जो दिया है वो है 9.82, और पहले क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 9.82। तो जब इस नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 9 वंस कॉलम के नीचे है, 8 टेंथ्स कॉलम के नीचे है और 2 हंड्रेड्स कॉलम के नीचे है। सो हमारा आंसर होगा टेंथ्स के लिए 8। उसी तरीके से जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूछ रहा है हाउ मेनी टेंथ्स आर देयर इन 1.4, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1.4 में 4 टेंथ्स कॉलम में आ रहा है, इसलिए टेंथ्स का आंसर होगा 4। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी वंस आर देयर इन 9.82, तो उसका आंसर 9 होगा। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं हंड्रेड्स पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आप हंड्रेड्स में देख सकते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट में दोबारा एक नंबर लिखा गया है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि देखते हैं आप, पहले क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 67.69। तो आप इस प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करके नंबर लिख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 67.69 हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसका जो आंसर होगा हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हंड्रेड्स के कॉलम में 9 आ रहा है, इसलिए आंसर 9 होगा। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में जिसमें 98.75 है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे .75 है, तो इसमें अगर हंड्रेड्स देखें तो 5 आएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके बाकी भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके से। मैंने बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर यहाँ लिख दिए हैं और आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से सारे नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख के। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस हैं जिसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ विज़िट justtutors.com।